हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 500 ऐसे वर्ड मीनिंग जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो तो आपको करना ये है कि इन 500 वर्ड मीनिंग को आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और डेली लाइफ की जो आपकी कन्वर्सेशन है उसमें आप एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं 500 न्यू वर्ड मीनिंग। तो हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। नेक्स्ट है बिकम। बिकम का मीनिंग होता है होना। नेक्स्ट है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। नेक्स्ट है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। नेक्स्ट है बाइट। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। नेक्स्ट है ब्रिक यानी तोड़ना। नेक्स्ट है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। नेक्स्ट है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। नेक्स्ट है सैड। सैड का मतलब होता है दुखी। नेक्स्ट है अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश या फिर दुखी भी हम बोल सकते हैं। हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। हाइट। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। नेक्स्ट है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपना या छिपाना। नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। नेक्स्ट है किल। किल का मतलब होता है जान से मारना। नेक्स्ट है किक। किक का मतलब होता है लात मारना। नेक्स्ट है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। नेक्स्ट है रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट है अराइव। अराइव का मतलब होता है आना। नेक्स्ट है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है आवश्यक जरूरी। नेक्स्ट है देन। देन का मतलब होता है तब। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। जैसे हम बोलते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यानी तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना अलग करना। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट है बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा यानी टेस्ट में कोई चीज कड़वी होती है तो हम उसे कहते हैं बिटर। नेक्स्ट है सॉल्टी यानी नमकीन। नेक्स्ट है ऑयली यानी तेलिए। नेक्स्ट है स्पाइसी यानी तीखा मसालेदार। नेक्स्ट है सॉगी यानी गीला। जो खाने की चीजें होती है वो जैसे केक है या और पेस्ट्री है वो जब उसका क्रंचीनेस चला जाता है और वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और नरम हो जाती है तब हम उसे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सॉगी हो गई। नेक्स्ट है सच। सच का मतलब होता है ऐसा। नेक्स्ट है श्योर यानी जरूर। नेक्स्ट है देयरफॉर यानी इसलिए। नेक्स्ट है दैट्स व्हाई यानी इसलिए। नेक्स्ट है देम। देम का मतलब होता है उन्हें। नेक्स्ट है माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। देयर। देयर का मतलब होता है उनका। नेक्स्ट है माइसेल्फ। माइसेल्फ का मतलब होता है खुद स्वयं। नेक्स्ट है इटसेल्फ यानी अपने आप। नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना अन्यथा। नेक्स्ट है ओवरथिंक। ओवरथिंक का मतलब होता है अधिक सोचना। नेक्स्ट है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी।
नेक्स्ट है हैंडमेड। हैंडमेड का मतलब होता है हस्त निर्मित, यानी हाथ से बनाई हुई कोई भी चीज। नेक्स्ट है इफ। इफ का मतलब होता है यदि। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक। नेक्स्ट है टॉक, यानी बात करना। नेक्स्ट है कॉल, यानी पुकारना बुलाना। नेक्स्ट है केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना या देखभाल करना। नेक्स्ट है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। नेक्स्ट है रियली। रियली का मतलब वास्तव में। नेक्स्ट है प्रीटी। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट है पुअर, यानी गरीब। नेक्स्ट है चैट, यानी बात करना। नेक्स्ट है चेंज, यानी बदलाव। नेक्स्ट है मेन। मेन का मतलब होता है मुख्य प्रमुख। नेक्स्ट है मेक, यानी बनाना। नेक्स्ट है डिलीट, यानी मिटाना हटाना। डिस्ट्रॉय, यानी नष्ट करना। नेक्स्ट है विद। विद का मतलब होता है साथ। नेक्स्ट है क्विट, यानी छोड़ना। नेक्स्ट है एवरी, यानी प्रत्येक। नेक्स्ट है इवन, यानी समान रूप से। नेक्स्ट है दे। दे का मतलब होता है वे। नेक्स्ट है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना। नेक्स्ट है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। नेक्स्ट है गेट। गेट मीन्स प्राप्त करना। गाइड। गाइड मीन्स मार्गदर्शक। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, हार मानना। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। नेक्स्ट है एग्जामिन, यानी जांच करना, परीक्षण करना। नेक्स्ट है चैलेंज, यानी चुनौती। नेक्स्ट है एरी। एरी का मतलब होता है हवादार। नेक्स्ट है वंडर, यानी आश्चर्य। नेक्स्ट है वंडरफुल, यानी आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है एग्जीबिशन, यानी प्रदर्शनी। नेक्स्ट है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांटना। नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर। नेक्स्ट है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है उन्नत, यानी कोई चीज और ज्यादा अच्छी होना। नेक्स्ट है शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना। नेक्स्ट है नोटी। नोटी का मतलब होता है शरारती, नटखट। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल मीन्स थोड़ा, कम। फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना फ्यू डेज। नेक्स्ट है प्रपोज, यानी प्रस्ताव। नेक्स्ट है क्लोज, यानी बंद। नेक्स्ट है वर्शिप, यानी पूजा। नेक्स्ट है थॉट, यानी विचार। नेक्स्ट है वेरी, यानी बहुत। नेक्स्ट है वेल। वेल का अर्थ होता है कुआ भी होता है, और वेल मीन्स अच्छा भी होता है। यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनके मैंने वो ही अर्थ बताए हैं जो हम जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना वर्ड मीनिंग जो होते हैं उनके
बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो हमें लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो सेंटेंस होते हैं हमारे उनके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं उसका एक ही अर्थ बता रही हूँ तो उसका सिर्फ एक ही अर्थ होगा। उनके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे इसका अर्थ है वो क्या निकल रहा है। नेक्स्ट है डेकोरेशन यानी सजावट। नेक्स्ट है आइडियल यानी आदर्श। तो ये तो थे हमारे फर्स्ट 100 वर्ड मीनिंग। चलिए अब हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। नेक्स्ट है अगेन। अगेन मीन्स दोबारा। नेक्स्ट है अनदर। अनदर का मतलब होता है एक और, अन्य या दूसरा। नेक्स्ट है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। नेक्स्ट है अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है सह सकना या खरीद सकना। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं ये चीज बहुत महंगी है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि मैं इसे नहीं खरीद सकती। नेक्स्ट है अलोन यानी अकेले। नेक्स्ट है ऑलवेज यानी हमेशा। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। नेक्स्ट है बैडली यानी बुरी तरह से। नेक्स्ट है हैंडल। हैंडल का मतलब होता है संभालना या नियंत्रण करना। जैसे कि हम डेली बेस पे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो मैं इसको हैंडल कर लूंगी, यानी मैं इसको संभाल लूंगी। नेक्स्ट है असाइड। असाइड का मीनिंग होता है एक और। नेक्स्ट है अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत या ठीक ठाक। जैसे कई बार हम पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसा लगा, तो हम बोलते हैं कि एवरेज यानी ठीक ठाक, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। नेक्स्ट है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। नेक्स्ट है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। नेक्स्ट है ब्राइटनेस यानी चमक। नेक्स्ट है लकीली यानी भाग्य से। नेक्स्ट है कैंसिल यानी रद्द करना या निरस्त करना। नेक्स्ट है कामली यानी शांति से। नेक्स्ट है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना। नेक्स्ट है फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। नेक्स्ट है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। नेक्स्ट है डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष या सीधे। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो, सीधा डायरेक्ट बोल दो, यानी सीधे सीधे बोल दो। और इसी का अपोजिट होता है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष घुमावदार। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग। नेक्स्ट है हार्डवर्क। हार्डवर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम। नेक्स्ट है लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जीवन भर। नेक्स्ट है मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। नेक्स्ट है ऑब्वियसली यानी निश्चित रूप से। नेक्स्ट है ओड। ओड का मतलब होता है अनोखा या बेढंगा। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंगे। नेक्स्ट है पॉपुलर यानी प्रसिद्ध लोकप्रिय। नेक्स्ट है ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब होता है अधिक वजन होना। नेक्स्ट है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति। नेक्स्ट है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है आसन या मुद्रा, यानी शरीर की जो हमारी पोजीशन होती है उन्हें हम कहते हैं पोस्चर। नेक्स्ट है प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। नेक्स्ट है पर्सनली। पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से।
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी। नेक्स्ट है रिन्यू। रिन्यू का मतलब होता है नवीकरण या फिर से नया करना। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो लाइसेंस है वो हमें दोबारा से रिन्यू करवाना है, तो रिन्यू का मतलब होता है फिर से नया बनवाना। नेक्स्ट है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। नेक्स्ट है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। नेक्स्ट है रीसेट। रीसेट मीन्स होता है फिर से स्थापित करना यानी दोबारा से उसे शुरू करना, सही करके लगाना। नेक्स्ट है सैंपल यानी नमूना। नेक्स्ट है सेंसिबल यानी समझदार। नेक्स्ट है सेंसिटिव यानी नाजुक या भावुक। नेक्स्ट है सीनियर यानी वरिष्ठ या पद में बड़े, उम्र में बड़े होते हैं उन्हें भी हम बोलते हैं ये हमसे सीनियर है। नेक्स्ट है सीक्रेट यानी रहस्य। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री यानी जो हम पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, नोटबुक जो भी मतलब काम में लेते हैं लिखने के लिए, तो उसे हम सब कहते हैं स्टेशनरी। नेक्स्ट है साइलेंस। साइलेंस मीन्स शांति। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। नेक्स्ट है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक या न्यूनता पूर्ण करना या फिर जोड़ देना। नेक्स्ट है स्टूपिड यानी मूर्ख। नेक्स्ट है टफ यानी कठिन। नेक्स्ट है टॉलरेट यानी सहन करना। नेक्स्ट है ट्रेवल यानी यात्रा करना। नेक्स्ट है सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट सहना। नेक्स्ट है सुटेबल यानी उपयुक्त, उचित। नेक्स्ट है सिंसियर यानी ईमानदार, सच्चा। नेक्स्ट है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। नेक्स्ट है स्वेट यानी पसीना। नेक्स्ट है सिंबल यानी प्रतीक। नेक्स्ट है अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना। नेक्स्ट है यूनिक यानी अनोखा। नेक्स्ट है अनफिट। अनफिट का मतलब होता है अयोग्य, अस्वस्थ। नेक्स्ट है यूजुअली यानी साधारण रूप से। नेक्स्ट है वॉलेट यानी पर्स या फिर बटुआ। नेक्स्ट है बेनिफिशियल यानी लाभदायक। नेक्स्ट है बिवेयर यानी सावधान होना, खबरदार। नेक्स्ट है वीकली यानी साप्ताहिक। नेक्स्ट है नैरो। नैरो का मतलब होता है सकरा, तंग। नेक्स्ट है यंगर। यंगर का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट है जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट है वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब होता है बर्बादी। नेक्स्ट है विस्पर यानी फुसफुसाना। नेक्स्ट है होल यानी साबुत, संपूर्ण। नेक्स्ट है व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी या जिस समय। नेक्स्ट है विजडम। विजडम का मतलब होता है चतुराई, बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है विड्रॉ यानी निकालना। जैसे हम बैंक से अपने जो पैसे निकालते तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विड्रॉ। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है बिना। नेक्स्ट है रैप यानी लपेटना। नेक्स्ट है वीकनेस यानी कमजोरी। नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना या मिलाना। नेक्स्ट है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना, प्रकट करना। नेक्स्ट है फिटनेस। फिटनेस का मतलब होता है स्वस्थता। फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। नेक्स्ट है ग्रूम। ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा।
नेक्स्ट है वेडिंग यानी शादी। नेक्स्ट है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, शिष्टाचार के अनुकूल या फिर दिखाऊ। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक, बेढंगा, अनियमित या लापरवाही से किया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक वर्ड मीनिंग के बहुत सारे हिंदी अर्थ निकलते हैं। वो हमें जो भी हम लाइन हमें दी गई है, सेंटेंस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, वो हमें डिसाइड करना होता है कि इस जगह पे इसका कौन सा अर्थ है वो सुटेबल होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रैंड यानी शानदार। तो फर्स्ट है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। नेक्स्ट है नियर बाय। नियर बाय मीन्स होता है आसपास। नेक्स्ट है अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय। नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। नेक्स्ट है एबल यानी योग्य। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। नेक्स्ट है अक्रॉस यानी आर पार। नेक्स्ट है एक्सेप्ट यानी के अलावा सिवाय। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। नेक्स्ट है सजेशन यानी सुझाव। नेक्स्ट है अडल्ट यानी वयस्क। नेक्स्ट है अगेन यानी दोबारा। नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। नेक्स्ट है बेटर। बेटर का मतलब होता है और ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट है बिहेव। बिहेव का अर्थ होता है व्यवहार। नेक्स्ट है अंडर। अंडर मीन्स नीचे। नेक्स्ट है सून यानी जल्दी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त और ज्यादा। नेक्स्ट है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है एक समान। नेक्स्ट है डिस्टेंस यानी दूरी। नेक्स्ट है ओबे यानी आज्ञा मानना। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। नेक्स्ट है मिसबिहेव यानी असिस्ट व्यवहार, बुरा व्यवहार। नेक्स्ट है क्वालिटी यानी गुणवत्ता। नेक्स्ट है क्वांटिटी यानी मात्रा। नेक्स्ट है हैंग यानी लटकाना। नेक्स्ट है कीप यानी रखना। नेक्स्ट है थ्रो यानी फेंकना। नेक्स्ट है टियर। टियर मीन्स होता है फाड़ना। जैसे पेज फाड़ना होता है तो उसके हम कहते हैं कि डोंट टियर द पेजेस यानी पेज मत फाड़ो, और टियर का मतलब आंसू भी होता है। नेक्स्ट है कंफर्टेबल यानी आरामदायक। नेक्स्ट है फोर्स यानी ताकत। नेक्स्ट है ग्रो यानी बढ़ना, उगना। नेक्स्ट है पुट। पुट का मतलब होता है रखना। नेक्स्ट है सिमिलर यानी एक जैसा, एक समान। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है छूट, आजादी। नेक्स्ट है फेयरवेल यानी विदाई। नेक्स्ट है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। नेक्स्ट है फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स त्योहार। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, मौका। नेक्स्ट है सेरेमनी यानी समारोह। नेक्स्ट है अगेंस्ट यानी खिलाफ, सामने। नेक्स्ट है चांस यानी अवसर। नेक्स्ट है समवन यानी कोई। नेक्स्ट है हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट। नेक्स्ट है हम्बल यानी विनम्र। नेक्स्ट है प्राउड यानी गर्व। नेक्स्ट है नेबर यानी पड़ोसी। नेक्स्ट है डेस्टिनी यानी तकदीर, भाग्य। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। नेक्स्ट है क्लेवर यानी चतुर, चालाक। नेक्स्ट है बोरो यानी उधार लेना। नेक्स्ट है परचेज यानी खरीदना। नेक्स्ट है सेल यानी बेचना। नेक्स्ट है
लुकिंग अराउंड यानी चारों तरफ देखना। नेक्स्ट है अदरवाइज यानी अन्यथा। नेक्स्ट है नथिंग यानी कुछ नहीं। नेक्स्ट है एनीथिंग यानी कोई भी हर चीज। नेक्स्ट है समवन यानी कोई व्यक्ति। नेक्स्ट है एनीबॉडी यानी कोई। नेक्स्ट है एवरीवेयर यानी हर जगह। नेक्स्ट है समवेयर यानी कहीं। नेक्स्ट है नथिंग यानी कुछ नहीं। नेक्स्ट है डोनेट यानी दान देना। नेक्स्ट है डिटरमिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट है लाइफ यानी जिंदा रहना बिताना। नेक्स्ट है डील यानी सौदा। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव यानी महंगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल यानी सरकारी दफ्तर का। नेक्स्ट है प्रोफेशनल यानी व्यवसायिक पेशेवर। नेक्स्ट है अटेंशन यानी ध्यान आकर्षण। नेक्स्ट है कंटिन्यू यानी लगातार। नेक्स्ट है रिटर्न यानी वापसी, वापस करना या लौटाना। नेक्स्ट है चाइल्डहुड यानी बचपन। नेक्स्ट है वरी यानी चिंता। नेक्स्ट है प्रिपरेशन यानी तैयारी। नेक्स्ट है रेनोवेशन, रेनोवेशन का मतलब होता है नवीकरण। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, जोड़ या गुटबंदी। नेक्स्ट है जर्नी यानी यात्रा। नेक्स्ट है एनवलप यानी लिफाफा। नेक्स्ट है इनविटेशन यानी आमंत्रण, बुलावा। नेक्स्ट है डिग यानी खोदना। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना। नेक्स्ट है एवरीथिंग यानी सब कुछ। नेक्स्ट है सीजन यानी ऋतु। नेक्स्ट है वेदर यानी मौसम। नेक्स्ट है अलाउ यानी अनुमति देना। नेक्स्ट है परमिशन यानी आज्ञा। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझन, कश्मकश। नेक्स्ट है टेम्पर यानी गुस्सा। नेक्स्ट है हेवन यानी स्वर्ग। नेक्स्ट है हेल यानी नर्क। नेक्स्ट है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। नेक्स्ट है इश्यू यानी मुद्दा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम यानी समस्या। नेक्स्ट है पर्पज यानी उद्देश्य। नेक्स्ट है मैटर यानी मामला। नेक्स्ट है अवॉइड यानी टालना। नेक्स्ट है इग्नोर यानी अनदेखा करना। नेक्स्ट है रिमाइंड यानी याद दिलाना। नेक्स्ट है कंटिन्यू यानी लगातार। नेक्स्ट है समटाइम यानी कभी कभी। नेक्स्ट है हैवी यानी भारी। नेक्स्ट है रिगार्डिंग यानी के बारे में। नेक्स्ट है प्रीवियस यानी पिछला। नेक्स्ट है प्लेजर यानी खुशी। नेक्स्ट है इम्बेरस यानी शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है सिली यानी नासमझ, मूर्ख। नेक्स्ट है डोनेट यानी दान करना। नेक्स्ट है वैल्यू यानी कीमत। नेक्स्ट है स्पॉट यानी दाग धब्बा। नेक्स्ट है इमेजिन यानी कल्पना करना। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नेक्स्ट है कैप्चर यानी कैद करना। नेक्स्ट है कल्चर यानी संस्कृति। नेक्स्ट है इनिशियल यानी प्रारंभिक। नेक्स्ट है प्रमोशन यानी उन्नति। नेक्स्ट है पोर्शन यानी भाग, हिस्सा। नेक्स्ट है थिक यानी मोटा।
नेक्स्ट है थिन यानी पतला, नेक्स्ट है ह्यूज यानी विशाल, नेक्स्ट है रिजाइन यानी इस्तीफा देना, नौकरी छोड़ना, नेक्स्ट है एक्सपर्ट यानी प्रवीण कुशल, नेक्स्ट है एक्सीलेंट यानी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट यानी संपर्क, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, नेक्स्ट है इनकम यानी आय, नेक्स्ट है सोर्स यानी स्रोत साधन, नेक्स्ट है सैलरी यानी वेतन, नेक्स्ट है मीनवाइल यानी इस दौरान, नेक्स्ट है टुगेदर यानी साथ साथ, नेक्स्ट है रीजन यानी वजह कारण, नेक्स्ट है ट्रबल यानी परेशानी, नेक्स्ट है ट्रीट यानी इलाज करना या दावत देना, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तो ट्रीट का मतलब होता है दावत देना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग यानी दौरान, नेक्स्ट है ड्यूरेशन यानी अवधि समयकाल, नेक्स्ट है डिफेक्ट यानी खराबी दोषपूर्ण या कमी, नेक्स्ट है डेस्टिनेशन यानी गंतव्य, नेक्स्ट है अनाउंसमेंट यानी घोषणा, नेक्स्ट है रियलाइज यानी महसूस होना, नेक्स्ट है रिपोर्ट यानी संदेश विवरण या सूचना देना, नेक्स्ट है रिवार्ड यानी इनाम, नेक्स्ट है इंस्पायर यानी प्रेरित करना, नेक्स्ट है अक्यूज यानी आरोप लगाना, नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, नेक्स्ट है प्रीसियस यानी कीमती बहुमूल्य, नेक्स्ट है पॉपुलर यानी लोकप्रिय, नेक्स्ट है स्टफ यानी सामान, नेक्स्ट है ड्रॉप यानी बूंद या समाप्त करना, नेक्स्ट है इंजरी यानी चोट, नेक्स्ट है लीव, लीव का मीन्स होता है छुट्टी और लीव मीन छोड़ना भी होता है, नेक्स्ट है शेड्यूल यानी कार्यक्रम सारणी, नेक्स्ट है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नेक्स्ट है नेगेटिव यानी नकारात्मक, नेक्स्ट है प्रोफेशन यानी पेशा, नेक्स्ट है इनविटेशन यानी निमंत्रण, नेक्स्ट है ग्रेटफुल यानी आभारी, नेक्स्ट है फेवर यानी पक्ष तरफदारी, नेक्स्ट है वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, नेक्स्ट है कंटिन्यूसली यानी लगातार, नेक्स्ट है कंप्लेंट्स यानी शिकायत, नेक्स्ट है कनेक्शन यानी संबंध, नेक्स्ट है बिकॉज यानी क्योंकि, नेक्स्ट है बिटवीन यानी बीच में, नेक्स्ट है बिहाफ यानी ओर से, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन यानी पेशा, नेक्स्ट है अप्रूव यानी मंजूरी देना, नेक्स्ट है कैफे यानी कॉफी हाउस, नेक्स्ट है सीरियसली यानी वास्तव में, नेक्स्ट है डिपेंड यानी निर्भर होना आश्रित होना, नेक्स्ट है रिलेशन यानी संबंध, नेक्स्ट है कैपेसिटी यानी क्षमता, नेक्स्ट है सेंस यानी समझ ज्ञान, नेक्स्ट है टैलेंट यानी प्रतिभा, नेक्स्ट है मेडिसिन यानी दवाई, नेक्स्ट है जीनियस यानी तेज दिमाग, नेक्स्ट है समथिंग यानी कुछ, नेक्स्ट है एक्टिविटी यानी गतिविधि, नेक्स्ट है शाइन यानी चमक, नेक्स्ट है पार्टनरशिप यानी साझेदारी भागीदारी, नेक्स्ट है स्केरी यानी डरावना, नेक्स्ट है गैस यानी अनुमान लगाना, नेक्स्ट है प्रिपेयर यानी तैयार करना,
नेक्स्ट है वेस्टेज यानी अपव्यय। नेक्स्ट है ड्रीम्स यानी सपने। नेक्स्ट है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। नेक्स्ट है पॉपुलेशन यानी आबादी जनसंख्या। नेक्स्ट है रिजल्ट यानी परिणाम। नेक्स्ट है बैलेंस यानी संतुलन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है ग्रेव यानी कब्र समाधि। नेक्स्ट है थ्रोन यानी कांटे। नेक्स्ट है फुटस्टेप्स यानी कदम। नेक्स्ट है गार्लैंड यानी माला। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है स्टेयर्स यानी सीढ़ियां। नेक्स्ट है बालकनी यानी छज्जा। नेक्स्ट है वायलेंट यानी हिंसक उग्र। नेक्स्ट है डैमेज यानी हानि नुकसान। नेक्स्ट है इनोसेंट यानी मासूम। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन यानी बातचीत। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा। नेक्स्ट है इरिटेट यानी चिड़चिड़ाहट। नेक्स्ट है मैनेज यानी प्रबंध करना। नेक्स्ट है एडजस्ट यानी व्यवस्थित करना, जमाना या अनुकूल बनाना। नेक्स्ट है एडमायर यानी प्रशंसा करना। नेक्स्ट है डिस्टर्ब यानी परेशान करना। नेक्स्ट है नॉलेज यानी ज्ञान जानकारी। नेक्स्ट है सीरियस यानी गंभीर। नेक्स्ट है सस्पेंस यानी दुविधा उत्सुकता। नेक्स्ट है क्रिएटिव यानी रचनात्मक। नेक्स्ट है शॉपिंग यानी खरीदारी। नेक्स्ट है जेलस यानी ईर्ष्या। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है फॉरगेट यानी भूल जाना। नेक्स्ट है मोमेंट यानी पल क्षण। नेक्स्ट है मेमोरी यानी स्मरण शक्ति। नेक्स्ट है सडन यानी अचानक। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड यानी समझना। नेक्स्ट है ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद। नेक्स्ट है नेचुरल यानी प्राकृतिक। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल यानी बनावटी। नेक्स्ट है ऑथेंटिक यानी वास्तविक असली। नेक्स्ट है डिस्कवरी यानी खोज। नेक्स्ट है कंप्लीट यानी पूरा करना। नेक्स्ट है नेसेसरी यानी जरूरी। नेक्स्ट है फैंसी यानी महंगा तड़क भड़क वाला। नेक्स्ट है सोबर यानी सादा। नेक्स्ट है एलिगेंट यानी सुंदर। नेक्स्ट है क्लासी यानी उत्तम सर्वश्रेष्ठ दर्जे का। नेक्स्ट है फैंटास्टिक यानी शानदार। नेक्स्ट है सिंपथी यानी सहानुभूति। नेक्स्ट है वैकेंट यानी खाली। नेक्स्ट है अपोलोजाइज यानी माफी मांगना। नेक्स्ट है फॉल्ट यानी गलती। नेक्स्ट है हेल्पलेस यानी असहाय। नेक्स्ट है अनवेल यानी ठीक ना होना। नेक्स्ट है डिफेक्टिव यानी दोषपूर्ण। नेक्स्ट है रूड यानी असभ्य व्यवहार। नेक्स्ट है क्रूर यानी निर्दयी। नेक्स्ट है सिंपति यानी सहानुभूति। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता। नेक्स्ट है चेकआउट यानी जांच करना और होटल छोड़ना। जैसे हम दो चार दिन के लिए किसी होटल में जाते हैं और उसके बाद में हम वहां से आ जाते हैं तो उसे भी हम कहते हैं चेकआउट करना। नेक्स्ट है नोइजी यानी शोरयुक्त शोरगुल। नेक्स्ट है क्राउडी यानी भीड़ भाड़ वाला। नेक्स्ट है गॉसिप यानी गपशप करना, अफवाह। नेक्स्ट है टोकेटिव यानी बातुनी। नेक्स्ट है कंपेयर यानी तुलना करना। नेक्स्ट है
इंक्वायरी यानी पूछताछ करना, जांच करना। नेक्स्ट है इनवैलिड यानी अमान्य। नेक्स्ट है इंट्रोगेशन यानी पूछताछ करना। नेक्स्ट है लेक्चर यानी भाषण, उपदेश। नेक्स्ट है लीगल यानी कानूनी। नेक्स्ट है इंसल्ट यानी बेइज्जती। नेक्स्ट है इंसर्ट यानी डालना। नेक्स्ट है इमरजेंसी यानी आपातकाल। नेक्स्ट है प्रूफ यानी सबूत। नेक्स्ट है एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ या माहिर होना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल यानी लचीला। नेक्स्ट है इंटरेस्ट यानी रुचि। नेक्स्ट है फीलिंग्स यानी भावनाएं। नेक्स्ट है रिलैक्स यानी आराम करना। नेक्स्ट है इनसाइड यानी अंदर। नेक्स्ट है रिकवर यानी वापस पाना या स्वस्थ होना। नेक्स्ट है सिक यानी बीमार। नेक्स्ट है हेडेक यानी सरदर्द। नेक्स्ट है स्टमकेक यानी पेट दर्द। नेक्स्ट है ड्रैग यानी घसीटना। नेक्स्ट है आउटसाइड यानी बाहर। नेक्स्ट है रिमेनिंग यानी शेष, बचा हुआ। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी यानी नमी, उमस। नेक्स्ट है फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट है जस्टिफाई यानी सफाई देना। नेक्स्ट है अप्लाई यानी आवेदन करना या लगाना। नेक्स्ट है डिसअपॉइंट यानी निराश होना। नेक्स्ट है अवेलेबल यानी उपलब्ध होना। नेक्स्ट है गैदरिंग यानी इकट्ठा होना। नेक्स्ट है क्विकली यानी जल्दी से। नेक्स्ट है नोट डाउन यानी लिख देना। नेक्स्ट है डिफिकल्ट यानी मुश्किल। नेक्स्ट है डिफरेंट यानी अलग। नेक्स्ट है सराउंडिंग यानी आसपास का। नेक्स्ट है स्पेशल यानी विशेष, खास। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी यानी साधारण। नेक्स्ट है रेगुलर यानी नियमित। नेक्स्ट है रिपेयर यानी मरम्मत करना। नेक्स्ट है रिफंड यानी धन वापसी यानी रुपए वापस देना। नेक्स्ट है रीयूज यानी पुनः उपयोग। नेक्स्ट है रिकवर यानी वापस पाना, स्वस्थ होना। नेक्स्ट है शो ऑफ यानी दिखावा करना। नेक्स्ट है नोटिस यानी सूचना। नेक्स्ट है बिलीव यानी विश्वास। नेक्स्ट है ऑनेस्ट यानी ईमानदार। नेक्स्ट है गेस्ट यानी मेहमान। नेक्स्ट है होस्ट यानी मेजबान। नेक्स्ट है जनरली यानी सामान्य रूप से। नेक्स्ट है लॉटरी यानी लॉटरी एक गेम होता है जिसे हम भाग्य का खेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ड्री यानी धुले कपड़े या फिर धोबीघर। नेक्स्ट है फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूर्ण करना या सफल होना। नेक्स्ट है फील यानी महसूस करना। तो ये थे हमारे 500 ऐसे वर्ड मीनिंग जिन्हें हम अपने डेली लाइफ टू लाइफ कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।